ऐसा है कि पूरे विश्व के संदर्भ में भारत का विचार किया जाए तो भारत के पास विश्व की जनसंख्या का लगभग 16% है, परंतु विश्व में जितना धरती उपलब्ध है उस धरती का विचार किया जाए जनसंख्या में पहले ही अधिक है और धरती में कम है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सुशासन, सुविकास, पर्यावरण आदि को लेकर अनेक प्रकार के संकट। दूसरी बात, आज पूरे विश्व के अंदर भी जनसंख्या के विस्फोट का एक संकट है कि धरती और तत्व और जनसंख्या, इसका अगर संतुलन नहीं रहा तो असंतुलित विश्व जो है विनाश की ओर बढ़ जाएगा। जनसंख्या और धरती के बीच में और रिसोर्सेज के बीच में संतुलन होना चाहिए। दूसरी बात, भारत के अंदर डेमोक्रेसी है और दुनिया के अनेक देशों में डेमोक्रेसी है। कभी कभी कुछ लोग राजनीतिक रूप से और मजहबी रूप से अधिक सोचना शुरू कर देते हैं और वो चाहे गरीबी बढ़े चाहे भूखमरी बढ़े अपनी जनसंख्या को बढ़ाकर लोकतंत्र के अंदर ये सोचते हैं कि जनसंख्या का विस्फोट उनको सत्ता देगा चाहे उनकी गरीबी बढ़ जाए, अनपढ़ता। क्योंकि एक तो भारत में बढ़ती जनसंख्या इसका संकट है और इसलिए भारत सरकार जाति, दल, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर जनसंख्या का नियंत्रण, ताकि भारत एक समृद्ध, सुरक्षित और होमोजेनियस, शांतिपूर्ण और अपने तेज गति से आगे बढ़ने वाले रास्ते पर चल सके, इसके लिए वो जनसंख्या नियंत्रण के नए नए प्रावधान देता है।